हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। जो नहीं भी हैं उन पर भी बनी रहे, सबका कल्याण हो। तो मैंने कहा था ये गृह प्रवेश वाला सीन ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को, और मैं भी अगर कहीं रहती हूँ तो इसको देख कर याद करूँगी। तो देखिए किस तरह से होता है, ये सब भी देखना चाहिए। दूसरे के खुशी को देखकर मन को बहुत खुशी मिलती है, और इतना अच्छा देखने में लग रहा था। और ये देखेंगे, पहले गाय अंदर जाती है, गाय को चुंदरी ओढ़ाया गया है, फिर उसके बच्चे को पीला कपड़ा में लपेटा गया है, गेट वगैरह पूरा डेकोरेट हुआ है। तो यहाँ बालकनी में खड़ी होकर के मैं बना रही थी वीडियो, और बालकनी में धूप बहुत तेज़ था। मैं देख भी रही थी, बना भी रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा अंदर आती थी, फिर जाती थी थोड़ा अंदर, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि पूरा जो मेरे साथ होता है, धूप भी था और खड़ी भी थी। पूरा आके जल्दी से बेडरूम गई, बाबू को मैंने बोला थोड़ा कूलर चला दो, और फिर मम्मी शरबत बना के दी जल्दी जल्दी। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं पूरा देख नहीं पाई, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ये यहाँ पे पूजा पूजन वगैरह हुआ, और इतना विधि पूर्वक से पंडित जी करा रहे थे। पहले गाय बच्चे का पूजन हुआ, फिर कुमारी का पूजन हुआ, फिर जो 3-4 ब्राह्मण थे उनका पूजन हुआ, फिर ये जो गेट पर आप देख रहे होंगे कलश रखा है वो पूजन हुआ। इस तरह पूजा पाठ करके फिर ये लोग अंदर गए, और उसके बाद फिर से यहीं पे डेकोरेशन का तैयारी हो गया। यहीं पे भोज भंडारा होगा, तो वो तो रात में होगा। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड भी मुझे कराना है, तो आज ही कराएंगे, फिर आपको अपडेट देंगे। क्योंकि आज 10 तारीख है, तो पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगी क्या अपडेट है डियर। तो अब देखिए, अब बताऊंगी मैं आपको क्या है। आज 10 तारीख नहीं, आज सॉरी, आज 11 तारीख है। मैंने 10 तारीख को करा लिया है अल्ट्रासाउंड, तो रिपोर्ट आज आएगा, 11 तारीख को आएगा रिपोर्ट। और फिर भी जो सोनोग्राफर थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया है स्थिति क्या कंडीशन। और ये देखिए गाय अंदर गई, तो मैं आपको वो भी अपडेट कराऊंगी डियर। डियर बस आप लोगों की दुआ बनी रहे। और इस तरह से हो गया, गौ पूजन हो गया, गाय अंदर गई, कुमारी पूजन हो गया, फिर पंडित जी, अभी कुमार का पूजन ही हो रहा है। आप लोगों में से किन किन के यहाँ इस तरह से गृह प्रवेश होता है, मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से भी कई लोगों को अच्छा लगा होगा, इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को ये दिखा दूँ। उसके बाद दिन भर उस दिन मेरा तबीयत डाउन ही रहा। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लगभग 11-12 बजे गई। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा के शाम में आई, तो फिर मैं शाम का दिखाती हूँ आपको। जब भोज भंडारा हो रहा था, तो यहाँ पे हो गया गेट पूजन, कुमार का पूजन, पंडित पूजन। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, खाना बनाता सिर्फ दाल चावल और नेनुआ की सब्जी, जो कि इनको पसंद नहीं है। पापा ले लो, तो इनका उस दिन ऑफ भी था, तो फिर ये पूछ रहा है बेटा क्या बना रही हो। मैंने कहा पकौड़ी, तो सिर्फ ये हरा सब्जी इनको पसंद है, जल्दी जल्दी फिर प्याज वगैरह काट के मैंने मम्मी को दिया, तो मम्मी बेसन में लपेट के पकौड़ा वगैरह तल देगी, पापड़ तल देगी, दही है, मैं जल्दी जल्दी सलाद काट दूंगी, जितना मेरे से संभव हो पा रहा है मैं मदद करती हूँ। इस तरह प्लेट में लगा के जब देती हूँ, जैसे दही हो गया, सलाद हो गया, पकौड़ी और फिर पापड़ वगैरह, तो फिर थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है, सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। और दाल चावल ननुआ की सब्ज़ी, हम लोगों को तो दाल चावल भिंडी ननुआ कुछ भी मिल जाए सब खा लेते हैं, लेकिन इनको ये सब पसंद नहीं है, हमेशा मसालेदार सब्जी खाने की कोशिश करते हैं। तो ये खाना बना था, खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग निकले थे अल्ट्रासाउंड के लिए, मम्मी भी गई थी। रास्ते का मैं नहीं बताती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है, हालाँकि बनाना बहुत ईजी है, लेकिन नहीं बनाया था। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करा के घर आई थी। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो 10 जून को मैंने कल के वीडियो में जैसे बताया था कि अल्ट्रासाउंड के बारे में आप लोगों को बताएंगे, अल्ट्रासाउंड में क्या कहा गया है। तो 10 जून को जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि समय जो है पूरा हो गया है, लास्ट वीक चल रहा है। हम लोग अपने हिसाब से जैसे 9 महीना जोड़ते हैं, लेकिन वो लोग एक जो वीक होता है प्लस और माइनस करके वो लोग देते हैं, एक वीक पहले या एक वीक बाद, एक वीक जो है एक सप्ताह बाद। तो 10 तारीख को जैसे मेरा था, तो वो डॉक्टर जब दिखाए थे अल्ट्रासाउंड कराने के पहले, तो वो बोली थी कि 10 के एक सप्ताह पहले यानी 2 जून को भी डेट इनका हो सकता है, और 17 जून भी जा सकता है।
लेकिन अल्ट्रासाउंड में जो है वो आया है 29 जून, तो अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर थे जो दोनों ग्रह को खाते हैं उन लोगों को भी काफ़ी आइडिया रहता है, वो लोग भी बहुत सही जानकारी देते हैं। तो वो बोलें क्या कि ये लास्ट वाला जो डेट आता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जो डेट है वही एक्सपेक्टेड डेट है, उसी पे होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला मेरा 17 से 20 है और 10 भी था, एक में 10 आया था और 10 से वही प्लस और एक प्लस 1 वीक या फिर -1 वीक कर लीजिए, तो इस तरह था। तो 17 तारीख तक वो बोलें क्या कि देखिए आज 10 हो गया है और इनका लास्ट वीक शुरू हो गया है, तो बेहतर है कि इनको अभी ही दिखा दीजिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मंडे को दिखाएंगे, मंडे को नंबर लगाए, क्योंकि 10 को वो अस्पताल, संडे को वो अस्पताल बंद रहता है, तो शुक्रवार को 10 था, शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड कराएं, शनिवार को रिपोर्ट आया, रविवार को बंद रहता है, सोमवार को दिखाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है और उसके बाद जो भी कहेगी वो भी अपडेट आप लोगों को देंगे। तो रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यही है कि जो आप लोगों को बताए थे कि बेबी उल्टा था तो वो सीधा हो गया है, और वो तो डॉक्टर तो यही बोले कि इनको आज ही लेके चले आइए, लेकिन उस दिन संभव नहीं था, सोमवार को दिखाएंगे 13 तारीख को, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप लोगों के साथ तो ब्लॉग रोज़ शेयर करते ही हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, लेकिन परेशानी थोड़ा बढ़ गया है। और तो बाकी जो भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और करेंगे आगे चल के, 13 तारीख को अगर दिखा लेते हैं तो वो भी शेयर करेंगे कि क्या अपडेट आता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोगों का कमेंट बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है हमें, और अभी हमें बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। और यहाँ पर देखिए मैं शाम में छत पे आई हूँ, अभी तो ये बालकनी से बना रही हूँ, लेकिन छत पे भी टहलने गई थी, हिम्मत करके मैं जाती हूँ, जा तो नहीं पा रही हूँ, हिम्मत करके गई थी और इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था। और जैसे ही बाजा शुरुआत मुझे लगा अब डिस्टर्बेंस होगा, रात भर बजा बजेगा, लेकिन इतना शांतिपूर्वक इन्होंने सिर्फ शहनाई का धुन लगाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो मैंने आपको